हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर आर्ट्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था आप लोगों को, हम थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ताकि दो तीन वीडियो आप देखें और उससे क्या हो जाए, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर देती हूँ आप लोग को। देखिए, ये टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था कैसे होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर उसमें क्या क्या आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, आप लोग को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी फ्यूचर आर्ट्स अकेडमी के। फिर मैंने प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया थी सारी चीजें, और मैंने उसका क्लासिफिकेशन भी आप लोग के साथ शेयर किया था। ये कुछ मेथड्स है, ठीक है। इसका आप लोग वही मेथड है जो हमने अभी ऊपर चार्ट में यहाँ पे देखा है, सारा वही है, बट ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में है, ब्रीफ में है। तो आप लोग को चाहिए तो ये पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, या फिर वीडियो स्टॉप करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा अ गुड टैक्स सिस्टम, ठीक है। गुड टैक्स सिस्टम क्या होता है? अच्छा टैक्स सिस्टम वही है जहाँ पे सारे जो सिटीजन्स है, ठीक है, जो ओनर्स है, जो भी रहिवासी है हमारे देश के, जो टैक्स पेयर है, ठीक है, जो टैक्स भरते हैं, जिनका टैक्सेबल अमाउंट होता है एक्चुअल में, उनको क्या करना चाहिए, उनको टाइमली टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टैक्स सिस्टम कोऑर्डिनेटेड, जो टैक्स सिस्टम है उसको प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उसके साथ थोड़ा भी मिसबिहेव नहीं, या फिर मैं बोल ऐसा बोल सकते हो आपकी थोड़ा भी हमें लापरवाही या फिर चोरी नहीं करनी चाहिए टैक्सेस में। जितना भी हमारा हमारे हिस्से का टैक्स आएगा उतना हमें भरना चाहिए, ठीक है। फिर जो डायरेक्ट टैक्स है वो जो हम लोग हिडन कर देते हैं, ठीक है, जो हम लोग छुपा देते हैं कि इतना टैक्स हो गया है, हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हमने किया नहीं है वो भी दिखा के हम क्या कर लेंगे, ये टैक्स को बचा लेंगे। तो ये टैक्स चोरी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली टाइम टू टाइम हमें अपना टैक्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उसको पे करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो काफी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। जो टैक्सेस सर्विसेज होती है वो सबके लिए विजिबल होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अमीर गरीब के लिए अलग अलग, सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो थोड़ा सिटीजन्स और थोड़ा गवर्नमेंट अगर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉपरेट करेंगे, तो एक अच्छा टैक्स सिस्टम बन सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्स, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल्स है गुड टैक्स के वो क्या क्या है, पहला है वर्टिकल इक्वालिटी। अब वर्टिकल इक्वालिटी क्या होता है, टैक्स प्रोपोर्शनेट टू एबिलिटी टू पे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। जो टैक्स को हम लोग वापस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इतना पर्टिकुलर अमाउंट हुआ है, इतना आपको पे करना है टैक्स, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से उसको गवर्नमेंट को प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कराना चाहिए, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। एनफोर्सेबल टैक्स नीड टू बी इजी टू कलेक्ट, ठीक है। अभी जो टैक्स है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही इजी वे में कलेक्ट होना चाहिए, उसके लिए ज्यादा अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत ज्यादा बोलूंगी कि आपको ये स्टेप फॉलो करना है, वो स्टेप फॉलो करना है, तो आप भी क्या करोगे, एक टाइम के बाद आपको भी बोर होगा, तो आप वैसे वो चीजों से क्या करोगे, दूर भागोगे, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट सोशल इफिशियंसी, ठीक है। दस टैक्स करेक्ट फॉर मार्केट फेलियर, मतलब जिनका लॉस हो चुका है, जिनको नुकसान हो चुका है, जिनको प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या उनको भी टैक्स भरना चाहिए? तो ये तो गलत बात है कि ऑलरेडी ही उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो चुका है, तो उनको टैक्स नहीं भरना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कहा सिस्टम में सुधारनी है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, वही सेम चीजें, ये क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हॉरिजेंटल इक्वालिटी, जो इक्वालिटी है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। इफिशियंट नॉन डस टैक्स डिस्करेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो टैक्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या डिस्करेज कर रहा है, क्या डीमोटिवेट कर रहा है, ये सारी चीजें हमें आगे देखनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखिए,
क्या हुआ, टैक्स सिस्टम में हर जगह हमें टैक्स लगता था, कहीं ये टैक्स भरो, कहीं ये टैक्स भरो, बहुत सारी टैक्सेस आपने देखी होगी। तो इसके ऊपर एक कमिटी बैठी, ठीक है, कमिटी बैठी, उन्होंने क्या बोला कि हम ना ये सारे जो टैक्स सिस्टम है, 2005 में कमिटी बैठी थी, ये जो जितने इतने सारे हम जो टैक्सेस पे करते हैं ना, इसको हम एक टैक्स में लेके आएंगे, जिसका नाम दिया था जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2005 में जब ये आया, तो 2010-11 में इसको नया जो नियम था जीएसटी का, उसको इम्प्लीमेंट करना था। बट क्या हो गया, जो केंद्र और राज्य है, ठीक है, हमारा जो स्टेट और सेंट्रल है, इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इस वजह से ये क्या हो गया, थोड़ा डिले हो गया। और इनका मेन मोटिव ये था कि जो बहुत सारे टैक्स हम लोग भरते हैं, जीएसटी में क्या हो जाएगा, ये सिंगल वैट हो जाएगा, ठीक है, रहेगा सारी प्रोसेस, सारा जो सिस्टम है वो वैट जैसा ही रहेगा, बट ये सिंगल हो जाएगा, लोगों को ज्यादा भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी, हर एक गुड्स के लिए, पर्टिकुलर एक ही गुड के लिए उनको चार चार पांच पांच बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक ही बार में उनका सारा टैक्स क्या है वो जो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये क्या है, जो टैक्सेस है वो एक अम्ब्रेला में आ गए हैं, एक सिंगल अम्ब्रेला में आ गए, आप ऐसा देख सकते हो। तो टोटल कितना परसेंट जाता है जीएसटी में, 12%, फॉर एग्जाम्पल 12% जा रहा है, तो उसमें से क्या होगा, जो 8% है वो हमारी कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और जो 4% है वो किसके पास चला जाएगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एज एन एग्जाम्पल के थ्रू इसको शो किया गया है, लेकिन एग्जाम्पल में भी आपको, बुक में भी, रमेश सिंह में, हर सब जगह यही मिलेगा कि अगर 12% ऑफ टैक्स आता है तो उसमें से जो 8% है वो स्टेट के पास जाएगा और जो 4% है वो सेंट्रल के पास जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो अम्ब्रेला है, इसमें जो सेंट्रल के टैक्स लगते थे, जैसे कि CVD, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, ठीक है, NSAD, जो सर्विसेज के ऊपर ड्यूटी ऐड करते थे वो इसमें आ गया है, सर्विस टैक्स सरचार्जेस एंड सेल्स, ठीक है, जो सर्विस टैक्सेस वगैरह लगते थे तो वो सभी इसमें इंक्लूड हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं CGST और IGST, ठीक है। तो ये किसमें आ गए हैं, जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी भी इसमें था, स्टेट में कौन कौन से टैक्सेस इसमें रिड्यूस हो गए हैं, जिसका SGST बोला गया है नाम, टैक्स ऑन द लॉटरी, बेटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये जो लॉटरी वगैरह हमने देखा था कि उस पर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, सर चार्जेस ये सब लगते हैं, तो ये किसमें आ गए, SGST में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स, ठीक है, जो हमने कुछ भी परचेस किया है एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मूवी वगैरह में जाते हैं, लग्जरी टैक्स, आप होटल में रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपको खाने के नीचे दिया रहता है कि 5% क्या है आपका जीएसटी है, ठीक है। तो पहले आपको क्या लगता था, और टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, फूड टैक्स, ऐसे सब करके टैक्सेस लगते थे, अब आपको सिंपल लिख के आता है जीएसटी इतना परसेंट, 2.5%, 2.5%, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, अब वो पहले जैसा नहीं लिख के आता है, ठीक है, वैट, सेट, मैट, तो अब क्या आता है, सिर्फ जीएसटी लिख के आता है, ठीक है। फिर इसमें और क्या इंक्लूडेड है, स्टेट वैट और सीएसटी, ठीक है, तो ये सब किसमें आ गए हैं, ये जो हमारा स्टेट जीएसटी है उसमें आ गए हैं, ठीक है। ये क्या है, एक अम्ब्रेला है, इसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे जो रेट है, उसका कुछ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को जो चीजें है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, जो कलर हमारे पेंट वगैरह होते हैं उस पे कितने परसेंट है, 25-28%, ठीक है। पहले कितना था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो पहले का है, और जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो वो आपका जो हमारा जीएसटी में है वो है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी के, जो कि अभी चेंज हुए है, ठीक है। 25% था, आप कितना हो गया, 28%। फिर यहाँ पे देखेंगे टूथपेस्ट में 28% था, लेकिन अब ये रिड्यूस होकर कितना हो गया, 18%। फिर यहाँ पे मोटरसाइकिल पे आप देखेंगे 17.4% था पहले, अब कितना हो गया, 28%। फिर यहाँ पे देखेंगे जो अदर इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें 26% था, आप कितना हो गया, 28%, ठीक है। जो सीमेंट वगैरह है उसमें कितना था पहले, 25, अब कितना हो गया, 28। शुगर में 5% अभी भी था, और अभी भी कितना है, 5% है, ठीक है। कार, जो फोर व्हीलर आप कुछ परचेस करते हो तो उसके लिए कितना है, 23.7% पहले था, आपको हो गया 28.3%, ठीक है। ट्रैक्टर या फिर बड़ी गाड़ी आप जो परचेस करते हो उसके लिए कितना था पहले, 11.9%, अब कितना हो गया, 12%, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप परचेस करते हो, 23-24% था, आप 28% हो गया। कोल था
होल, पहले 11% था, आप कितना हो गया 5%, क्लियर? ठीक है, बाद हम लोग इसके मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज है उसको देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और मेरा जो ये बेसिक था ये लेक्चर में आप लोग को जो जीएसटी है वो एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझाना था, बाकी और कुछ नहीं। इतना अगर आप लोग ने अच्छे से कर लिया, दो तीन बार कर लिया, तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा आपको। और एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग फिर उस टाइम पे जो आपका क्वेश्चन बनता है उसको इजिली टैकल कर पाओगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसका प्लीज पार्ट वन वीडियो आप जरूर देख लेना, ओके? और कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वापस से, अगर आपको चाहिए तो मैं लेक्चर वापस से कांटेक्ट करा दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।